आदम अलैहि सलाम से लेकर अब तक के लोग, अगर रब्बे करीम मौत को तखलीक न करता, जहां उसने कायनात का सारा सिस्टम बनाया है, ये शर्क, ये गर्ब, ये शुमाल, ये जनूब, ये जमीने, ये आसमान, ये ताक, ये फोक, ये लौ, ये कलम, ये अर्श, ये कुर्सी, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये कायनात का सारा सिस्टम जहां रब ने बनाया है, अगर इसके साथ साथ जहां जिंदगी बनाई है, अगर मौत ना बनाता, आप यकीन जाने हम रुल गए थे सारे के सारे। आदम से लेकर अब तक के लोग जिंदा लाशें पड़ी होती और वो ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना खा सकते, ना खुशी में शामिल हो सकते, ना गम में शामिल हो सकते। पता नहीं उनका क्या हाल होता। मौत कोई अजाब नहीं, मौत इताब नहीं, मौत कर्मे इलाही का नाम है, फजल इलाही का नाम है। और मेरे नबी ने फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, के फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। और तोहफा क्या होता है? तोहफा फरमाया एक दूसरे को गिफ्ट दो। मेरे नबी ने फरमाया एक दूसरे को तोहफा दो। किस लिए? इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, इससे प्यार बढ़ता है। अगर मोहब्बतों को बढ़ाना है, प्यार को बढ़ाना है, तो तुम क्या करो? फरमाया एक दूसरे को तोहफा दो। मौत एक ऐसा जरिया है कि फरमाया अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। मौत एक ब्रिज है जो मुहिब को महबूब के साथ मिला देती है, उम्मती को नबी के साथ मिलाती है, अब्द को माबूद के साथ मिलाती है, तालिब को मतलूब के साथ मिलाती है, आशिक को माशूक के साथ मिलाती है, मुहिब को महबूब के साथ मिला देती है। सुभान अल्लाह। मौत एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से दीदारे खुदा भी नसीब होना है और दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नसीब होना है। एक मकसद है, हम बेमकसद नहीं आए। हम सिर्फ और सिर्फ मकान बनाने, कोठियां बनाने, गाड़ियां बनाने, बैंक बैलेंस तैयार करने के लिए नहीं आए कि हमने मालो मता इकट्ठा करना है। फरमाया कुल मता और दुनिया कलील। ये जिस चीज पे अकड़ता है, इतराता है, अल्लाह फरमाता है मेरे नजदीक इसकी कोई उक्कत नहीं, मामूली है ये। और फरमाया अगर मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की कोई अहमियत मेरे नजदीक होती तो अल्लाह फरमाता है मैं ये सारी दुनिया की दौलत ईमान वालों को देता, बेईमानों को कुछ भी ना देता। लेकिन फरमाया मेरे नजदीक इसकी वक्त मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी नहीं।